आराम आराम से आ रहा है, आएगा आएगा। ए भाई ज्यादा पंखा चला, ठंड लगेंगे फिर, है ना, इसलिए एक आग चला दूं क्या? नहीं ठीक है, क्या बात है। ओह लास्ट क्वेश्चन क्या था ये बताइए, क्या था लास्ट क्वेश्चन? ओके, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, यही था ना? ओके अभी वहां से देखना स्विच होगा, चला दो पंखा वालों, वहां पर स्विच होगा। अने छोड़ दो, चलिए तो हम सब तैयार है ना देवी सजनो, चला जाए। चलिए आज जो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ा बकवास होगा, लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक है ना, डरना बिल्कुल मना होगा, ठीक है ना। ओके भाई लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, ए भाई साहब इन ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हैं सब लोग, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आ गया ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी लिखे, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, डी इज ए लिखे डी फॉर दैट, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, डी बिंदु भुजा ए सी पर स्थित है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, डी बिंदु भुजा ए सी पर स्थित है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, डी बिंदु भुजा ए सी पर स्थित है, लिख ली डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, डी बिंदु भुजा ए सी पर स्थित है, एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, बी सी स्क्वायर बॉम्बे टू चंडीगढ़, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी है, लिखे अरे भाई ऐसे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, ऐसा ना, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, द लेंथ ऑफ बी सी, यदि बी सी की लंबाई, द लेंथ ऑफ बी सी इज, यदि बी सी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, द लेंथ ऑफ बी सी इज 118 सेंटीमीटर, यदि बी सी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, द लेंथ ऑफ बी सी इज 118 सेंटीमीटर, लिखे यदि बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, बी सी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, ए भाई साहब बी डी की लंबाई निकालिए फटाफट, फाइंड द लेंथ ऑफ बॉबी देवल, बीडी की लंबाई फास्ट फास्ट आगे सब लोग, बीडी की लंबाई निकाले धाई धाई तेजी में आगे, भाई साहब जल्दी जल्दी बनाइए, बीडी की लंबाई बताइए, बॉबी देवल की लंबाई, बीडी नहीं बीडी, बीडी बता रहा है, कैसा आदमी है, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, सभी भाई बंधु लोग को आ रहा है कितना, अरे वाह 18 ही है सही उत्तर, आ गया सभी लोग का आ गया, मैं बनाऊ ठीक है, देखो यहां देखो देखो इधर, आपका ध्यान है किधर, वाह ये सब बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, कौन सा छोटा बच्चा कौन, हाँ
त्रिभुज एबीसी है, कौन है भाई? थैंक यू, त्रिभुज एबीसी है, ठीक, दिखा जरा, ओके। त्रिभुज एबीसी में बोलो ए बी बराबर ए सी लिखा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा हुआ है ना, इधर देता हूं, ए बी बराबर ए सी दिया है ना। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, इंट्रेंगल एबीसी, ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, किसके बराबर है? ए बी ए सी, ये गिवन है, ठीक, ओके भाई। और क्या बोला था ना, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी या डी सी? ए सी, ओके, लो ना इधर कर देता हूं, चुप रहा एक मिनट अभी। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, डी बिंदु, डी बिंदु भुजा ए सी पर स्थित, लिख लिया, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, डी बिंदु, यस, भुजा ए सी पर स्थित है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए सी, डी बिंदु भुजा ए सी पर स्थित है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, डी कहां स्थित है? ए सी पर, ठीक है भाई, ओके। अब दिया कि बीसी का स्क्वायर बराबर, क्या दिया है? बीसी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी। देखो इस समय प्रश्न में दम नहीं होता, इसे बेदम कहते हैं। नहीं 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 नहीं, बेगम नहीं, बेदम है ना, समझ रहे ना, आइए बिना दम वाला, ठीक, सब तैयार हैं? बोलो क्या समस्या है, तैयार हैं सब लोग? इसको समझिएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ये कि आंसर दे रखा है लेकिन दिखता नहीं है, फिर नहीं समझा, सब कुछ दे रखा है। बीसी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, बात ऐसा है बीसी, बीसी दो बार है, बीसी कितना है? दो बार है, ठीक है ना, और ए सी इंटू सी डी, पता हमको क्या लगा देखने में, ये जरूर भुजा 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 होगा, रेशियो भुजा भाई भुजा भुजा भाई भुजा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्या ऐसी अनुभूति हो रही है आपको? हो रही है, ओके, ये अनुभूति सबको हो रही है कि ये भुजा बाई भुजा भुजा बाई भुजा होगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना, ऐसा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं बताओ, लगना चाहिए, लग रहा है या नहीं? लग रहा है, इसका मतलब ये वैसा दो ट्रायंगल होगा जिसमें बीसी बीसी आता होगा, दोनों ट्रायंगल बीसी आता होगा, तो एक तो एबीसी में बीसी आता है, एक बीडीसी में बीसी आ रहा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, एक बीसी जो है एबीसी में आ रहा है और एक किस में आ रहा है? बीडीसी में, ना, बीसी दोनों में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना, हाँ या ना में जवाब दे, ओके। एबीसी में भी बीसी है और बीडीसी में, ऐसा लगा ना, ए भाई साहब देखिए ध्यान से, इधर दो का साइड है, किसका किसका? दो ट्रायंगल होगा उसके साइड का रेशियो लिखा हुआ, दो दो त्रिभुज होगा उसके भुजाओं का अनुपात लिखा है, ऐसा लग रहा है ना, तो हमको लगा हाँ वही है ना, लेकिन हम पहचाने कौन सा दो ट्रायंगल है जिसमें बीसी बीसी दो बार आता है, तो एक एबीसी में आता है और दूसरा बीडीसी में आता है, ठीक, आइए मैं इनको अलग अलग करके दिखाता हूं, ठीक, अलग अलग फोटो बना दूं, एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है, और दूसरा है बीडीसी, क्या है, यह है बी, यह है डी और यह सी, इधर छोटा छोटा बनाया हूं, दिखाई दे रहा है, ओके, दिखाई दे रहा है भाई, छोटा छोटा दो, अब देखो इसमें बीसी आ रहा है और इसमें बीसी आ रहा है, ठीक, ओके, समझ रहे ना,
समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आराम से, बहुत इजी है ना। क्या इसे हम बीसी इंटू बीसी लिख सकते हैं? क्या दो दो बार बीसी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने बीसी इंटू बीसी, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, और इधर एसी इंटू सीडी, इसमें किसी को दिक्कत? बोलो बोलो ना जी, सही बोले ना। अब यहां देखो, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू भाई साहब। अब हम शुरू होने जा रहे हैं कहानी। देखो, भुजा बाई भुजा करने जा रहे हैं ना। ओके, तो एक ईस्ट एंगल का लेंगे तो दूसरा ईस्ट एंगल का लेंगे, यही ना। ओके, मान लो एक बीसी बड़ा वाला में आ रहा है, इसमें लिया पहले किसका, इसका लिया, ठीक है ना। एक बीसी इसका लिया, ठीक, तो इसके नीचे में तो छोटा वाला कर लेंगे, किसका, छोटा वाला का, तो इधर से कोई आएगा क्या? एक मिनट बोलना मत, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, बोल दिया तो है ना। नीचे में कौन, या तो एसी आएगा या तो सीडी आएगा। यार इस, ये मान लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, लार्जर लिख देता हूं, बड़ा ऐसे लिखते ना, ठीक है, ऊपर बड़ा वाला और नीचे छोटा वाला। बाहर खिलाएंगे तुमको यहां से, हम चुपचाप यहां देखो, ऊपर में बड़ा वाला का, नीचे का लिखिए छोटा वाले का, ठीक। तो छोटा वाला में क्या, इसमें छोटा वाला में एसी आता है क्या? आप देखो छोटी है, छोटा वाला है उसमें, देखो एसी है क्या, इसमें एसी है लगा हुआ, इसमें एसी नहीं लगा हुआ है ना। तो कौन है, सीडी है क्या, क्या उसमें सीडी है क्या? यस, जब हम इसका लिए हैं बीसी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी में मुझे यहां पर सीडी लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों, कि बड़ा का ये लेंगे तो छोटा का ये लेंगे, बड़ा का ये तो छोटा का ये। आप ये बताओ हम एसी क्यों ना लिखें, है ही नहीं एसी छोटा में, छोटा वाला में एसी, तो इन दोनों से कोई एक चूज करना, तो ये आपको मना ही कर रहे, नहीं हम उसमें नहीं है, तो यही होगा नीचे ना। ओके, नीचे छोटा ऐसे छोटा कटा छोटा, ठीक है ना। ओके, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ठीक। ओके, बड़ा वाला छोटा वाले का भुजा, ठीक। अच्छा, ये भाई जी उधर आ गए और ये भाई जी यहां लिखा चुके हैं, अब क्या बच गए, यहां बच गया एसी, और कोई उपाय तो है नहीं, इसी को लाना पड़ेगा, एक तो लिख दिए, एक बाकी है, तो इस एसी को नीचे, बीसी को नीचे लिखेंगे ना, ये सी और ये बीसी। अब यहां देखो, गौर से देखेंगे आप, कैसे देखेंगे? ओके, देखो बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, बड़ा वाला नीचे लिखते हैं, तो बड़ा का बीसी, छोटा का सीडी, फिर बड़ा का एसी, बड़ा क्या लेंगे, बड़ा का क्या लिया, एसी, तो छोटा में क्या लेना पड़ेगा, अरे हाँ मैच कर गया बीसी है ना, छोटा में बीसी। क्या दिखाई दे सबको, मैं आपको समझा पा रहा हूं बातें, एक बड़ा का लिया तो एक छोटा का लिया, फिर एक बड़ा का लिया तो फिर एक छोटे का लिया, ठीक है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई दूसरा भी वहां आ जाए, ये संभव ही नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप नीचे इसको क्यों लाए, अभी किसी को अभी भी कोई कंफ्यूज, मैं दुआ ले देता हूं, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि आप यहां से जाएं तो कंफ्यूजन लेके जाए, भले बाहर अपने क्लास में ही नहीं ले रहे हो तो बात अलग है कि नहीं, बात कर रहे हैं बैठ के तो बात अलग है, क्या देखा फास्ट बात करता है। अच्छा यही हो है ना, देखो मजा से करता पढ़ता नहीं, देखो ठीक है भाई साहब, क्या देखिए, अच्छा ठीक है भाई साहब, अब हमारे लिए सभी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं कि नहीं, देखिए यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना, यहां देखिए बात ना कर, देखिए काफी तजुर्बा है ऐसे घर जाने का,
कौन लड़का है जो नौटंकी कर रहा है, बकवा कर रहा है, पढ़ने आया नौटंकी कर रहा है, क्यों अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है सबके साथ? नहीं समझा, आदत है, घर वाले भी इनके ऐसे हैं, जो भी कुछ सिखा के नहीं भेजें घर, देख रहे हैं उनसे, अब तो कुछ नहीं बोलेगा ना, ठीक है। अब यहां देखो चुपचाप मुंह बंद करके, ये बड़ा ट्रायंगल का बीसी लिया, आराम से देखना ध्यान से, इधर बड़ा ट्रायंगल का बीसी लिया तो नीचे छोटा ट्रायंगल का पार्ट पुर्जा लिखना है, तो एसी और सीडी, एसी और सीडी में छोटा में कौन आता है, एसी या सीडी? कोई और उपाय है तो सुझाओ मुझे, तो मुझे सीडी ही लिखना पड़ेगा यहां पर का भाई साहब? तो बड़ा का बीसी छोटा का सीडी, अदर कोई है ही नहीं, फिर बड़ा का यहां एसी बच गया, ये तो यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, तो यहां एसी बच गया, इसको यहां लाएंगे बीसी, यहां तो हम लिख दिए इसका एसी, तो इसका क्या लिखेंगे, बीसी, किधर है, इधर है, इसका बीसी है कि नहीं? तो और तो कोई उपाय ही नहीं था, मैंने सिर्फ जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड घुमा के लिख दिया था उसको मैंने अरेंज किया, क्या किया, अरेंज किया। किसी को दिक्कत समझने में है तो बताओ, ठीक है, वेरी गुड। दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, देखो दो साइड का रेशियो इक्वल एंड वन एंगल कॉमन, सी क्या दिखाई दिया, सी एंगल कॉमन है जो दोनों में आ गया, नहीं समझ में आया, सी छोटा में भी आता है बड़ा में भी आता है, सी दोनों में आता है, नहीं देखो छोटा में भी सी बड़ा भी, आप तो कहेंगे बी भी दोनों में है, लेकिन नहीं, ये बड़ा वाला बी है और सब छोटा कट गया है, दोनों बराबर नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ये बोलेंगे सी सी बराबर बी बराबर हुआ अपने आप बराबर, नहीं, वो एबीसी वाला बड़ा बी है और बीसीडी वाला छोटा बी है, ठीक है, वो कॉमन नहीं है, ठीक है भाई, कॉमन कौन है, सी, सबको दिखाई दे रहा है ना, कॉमन कौन है, सी, तो दो साइड का रेशियो इक्वल है और उसके बीच का एक एंगल इक्वल हो गया, दिखाई दे सबको, बीच का एंगल इक्वल, मैंने कभी सिखाया था दो साइड का रेशियो और एक एंगल उसके बीच का इक्वल हो तो क्या कहलाएगा, ये सिमिलर ट्रायंगल, क्या कहलाएगा, क्या आपको समझ में आया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया उसको, बस इतना इजी में उसको हम लोग क्या किए, उसको अरेंज किए कि बड़ा छोटा बड़ा छोटा दिखाने के लिए अरेंज किया उसको, ठीक है ना, किसी भाई को तकलीफ, क्या आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं ना, सबको दिखेगा ना कि नीचे में एसी या सीडी में से कौन आएगा, है अंधा आदमी बता देगा कि एसी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एबीसी में एसी आता है, बीसीडी में तो ए आता ही नहीं है, तो कहां से एसी आ जाएगा, हाँ भाई साहब सही है, ओके, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं बताओ, हो गया, जब सिमिलर हो गया तो तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर हुआ कि नहीं, रेशियो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना, ओके, तो लिखता हूं ये तो पहले से दिया ही है बराबर, ये भी दिया है पहले से बराबर, तीसरा क्या बच गया, तीसरा बड़ा वाला में बताओ क्या बच गया, ही ना, ये अमिताभ बच्चन जी हैं और उधर बीडी बॉबी देओल, ही ना, बीडी ही बच गया, तीसरा ही मचा, तीसरा ये तो इनका भी रेशियो बराबर, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया सिमिलर है, ये क्या प्रूव किया, सिमिलर है, जब ये सिमिलर है तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा, मैंने बराबर कर दिया, किसी भाई को तकलीफ है, कोई भाई जिसको तकलीफ हुआ, नहीं, यहां तक क्लियर है भाई, पक्का, दो साइड का रेशियो एक एंगल इक्वल तो सिमिलर, तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो जब सिमिलर हो गया तो रेशियो तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, एनी प्रॉब्लम, नो, ओ हम अचानक कुछ दिखा, कोने में देखो ए बी बराबर, दिखा दिया सबको, ए बी बराबर ए सी, अरे ए बी और ए सी तो बराबर है, कट गया, नहीं समझे, ए बी और ए सी दोनों बराबर ही तक कट गया, तो क्या बचा, बी सी बराबर बी डी, और बी सी दिया सर 18 दिया था ना, बी सी दिया 18 तो बी डी भी क्या हो गया, 18, ये आंसर हो गया, बी डी 18 सेंटीमीटर, इजी था ना, कोई दिक्कत है ना, ये ए बी बराबर ए सी दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ए बी ए सी कट गया, तो क्या निकल गया, बी सी बराबर क्या निकल गया, बी डी, बी सी बराबर बी डी, और बी डी बी सी दिया 18 तो बी डी भी क्या होगा, 18 ही होगा, किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत भी, आज थोड़ा इसे टेढ़ा क्वेश्चन होगा, आराम से बनाना, बहुत मजा आएगा, लेकिन
तैयार हैं सब लोग? एक क्वेश्चन लिखा जरा, तैयार है भाई? थैंक यू भाई, लिखिए। सब तैयार हो भाई? हाँ बोल रहा था, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊं, रहने दो, अगला में काम आएगा। बीसी का स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा, वही तो दिया था, ये नहीं समझा? नहीं, बीसी का स्क्वायर होगा ना, बीसी का स्क्वायर एसी इंटू सीडी, नहीं था पूरा अधूरा, ठीक हो गया पूरा, ठीक। तो इसलिए इसमें कोई फायदा नहीं कि आगे हम जो देंगे क्वेश्चन उसमें आया, क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप इसके समझ अगला क्वेश्चन में इसका फायदा मिलने वाला, ठीक है? लिखो जरा, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, डी फॉर दिल्ली, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, इन ट्रायंगल एबीसी, डी फॉर दिल्ली, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, एंगल ए डी सी बराबर, यहां लिख देता हूं, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, लिखें फाइंड सी ए स्क्वायर, क्या निकालना है? फाइंड सी ए स्क्वायर, सब लिख चुके क्वेश्चन, सी ए का स्क्वायर क्या? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बी सी इंटू सी डी, दूसरा ऑप्शन है सी डी इंटू ए सी, तीसरा ऑप्शन है बी सी इंटू ए सी, चौथा हम नहीं जानते जी, हरिओम जय श्री राम। आया भवन आया, जय श्री राम। हरिओम हरि सबका आया, कौन सा आंसर है? इतने लगा कि सी ए का स्क्वायर पूरा अधूरा होगा, ऐसा नहीं लगा? ऐसा लग रहा है पूरा अधूरा लग रहा कि नहीं? पूरा अधूरा है, बहुत दिन बाद आए क्या, इसलिए नहीं लग रहा पूरा अधूरा है ना? ओके, पूरा क्लास करना चाहिए। देखो अभी जो है सुबह वाला में ज्योमेट्री चल रहा है, इसे पीछे है, उसमें इन सेंटर सरकम सेंटर, इन सेंटर शुरू हुआ था, मतलब सरकम सेंटर कल होगा, तो जैसा छूट गया हो, जो कुछ ज्यादा ही मतलब छुट्टियां मना रहे होंगे लोग, तो सुबह सुबह कर लीजिएगा 8 बजे, है ना? सुबह 8 बजे, अरे हम जब आएंगे शुरू हो जाएंगे, तो टेंशन क्यों लेता है कोई? ठीक नहीं, कभी 5 मिनट लेट, कभी 10 मिनट, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। नींद की ट्रैफिक कैसी है ना? इस संडे को बच्चे धोखा खा गए ना, इस संडे को सब 1 घंटे लेट आए और हम आए तो टाइम पर थे, बच्चे क्लास में 10 दिखे। चले हाँ देखो, तैयार हैं सब लोग? हरिओम,
चलिए पूछना चाहते हैं कि नहीं बताइए, कोई चाहते हैं भाई? इतना बात नहीं करते हम लोग, बहुत बात कर रहे हैं आज, देखो ठीक है। कोई पटना से चाहते हैं उठाइए हाथ, ठीक है नीचे कर लो। बिहार शरीफ को जाते हैं क्या? अरे भाई उठाओ, नहीं आए तो बिहार शरीफ वाले लोग नहीं चाहते हैं, अरे की बात है। यहां देखो ध्यान से, ठीक है तो मैं फिर भी बता दूंगा। यहां देखो त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, ठीक है भैया। ओके और बताइए क्या बताया? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड, ओके डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। डी बिंदु कहां है? भुजा बी सी पर स्थित है, ठीक है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, बी जो है डी जो है बी सी पर है, ठीक। और एंगल ए डी सी ये बी ए सी, ओह ये है ना, ये पक्का समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है, मुझे वैसे बोला तो नहीं है। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ये हाइपोटेन्यूज पे डायगोनल लंब, ये भी 90 डिग्री और वो भी 90 बराबर होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में याद करो ये 90 और यहां लंब डालते हैं वो भी 90, तो ये एंगल ये पूरा के बराबर होता है ना। तो मैंने क्या सिखाया था? इसका स्क्वायर बराबर पूरा इंटू अधूरा, और सिखाया था इसका स्क्वायर बराबर पूरा इंटू अधूरा, याद है सबको? तो हमको लग रहा था इसमें वैसे ही, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता ना बराबर, ये आप जो नहीं कि उनका मालूम कैसे है ना, ये एंगल बताया था ना क्लास में बराबर होता, ठीक है। ये एंगल क्या है? बराबर। तो मैंने ऐसे कभी आपको बताया था, याद करो है ना, कि ए बी का स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा, या ए सी का स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा, तो याद है ना बी सी इंटू सी डी कौन सा आंसर है? देखते ही मार दिया बच्चा लोग, पूरा अधूरा आया पूरा, ओके। अब कुछ लोग और भी डिटेल चाहते हो, नहीं आने वाले है ना भाई? देखो नहीं चाहते हो, देखो भाई सब ठीक से बैठिए, सब ठीक से बैठे हैं ना, ओके। ज्यादा ठंड लग रहा भाई साहब, यहां देखिए फटाफट। तो मैंने कहा कि AC का स्क्वायर या CA का जो स्क्वायर है, CA का स्क्वायर बराबर पूरा BC अधूरा CD। तो जो बच्चे पढ़े हैं वो मेरे बात को समझ गए होंगे और वो पहला आंसर मार दिए, कोई दिक्कत तकलीफ? जो पढ़े हो समझ गए ना, जो नहीं पढ़े हो कह रहे हैं डीट है ना, उनको मालूम है। आओ दिखाता हूं डिटेल, ठीक बना के दिखाऊं? जो बच्चा पढ़े उनकी याद है ना, ओके। भाई साहब गौर फरमाइएगा, यहां देखिए हमें निकालना है सीए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? सीए का स्क्वायर। देखो जी बात ऐसा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, मालूम दो ट्रायंगल सिमिलर, तभी तो मतलब एक हमको एक छोटा ट्रायंगल इधर दिखा रहा है एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक। सीए सीए आराम से सुनो, सीए सीए दो बार है, हमको ऐसा लगा कि कहीं दो साइड का रेशियो लिखा होगा और एक में दोनों सेम आ गया सीए का स्क्वायर और एक में दोनों कुछ अलग दिया होगा, जो कि आंसर में दिया हुआ है इतना इंटू इतना इतना इंटू, लग रहा है ना? ऐसा नहीं लगा? ऐसा कुछ होगा मतलब ऐसे ए यहां पर मान लो सीए, यहां पर कुछ अलग हुआ सीए, यहां पर कुछ अलग होगा, तो ये सीए सीए गुना होगा इसे सीए का स्क्वायर आ गया होगा और दूसरा जो जो भी होगा यहां पर वो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ, ऐसा लग रहा है ना? तो सीए सीए दो बार कैसे आएगा? दो ट्रायंगल ढूंढो, कौन कौन सा ट्रायंगल? एक एबीसी और दूसरा एडीसी है ना, दो ट्रायंगल अलग से बनाओ फोटो इसका, बेहतर समझ में आएगा। ये उनके लिए समर्पित है जो नहीं क्लास किए हैं, हाँ त्रिभुज एबीसी और इसका नाम क्या दे दूं? ए डी और सी, ओके भाई। ए भाई देखिए भाई
क्या दिया था, एंगल डी मतलब ये वाला बराबर एंगल ए। देखो ये एंगल ए अलग है, वो एंगल ए अलग है, वो थोड़ा सा है, ये पूरा है, ठीक। आप सभी जान रहे ना, इधर की दोनों को बराबर समझिए, बराबर नहीं है दोनों, ये छोटा है वो बड़ा है, ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, इसने कहा कि ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक, और ये दोनों में कॉमन है, हाँ या ना। सी छोटा में भी आता है, बड़ा में भी आता है, सी दोनों में आता है, हाँ या ना। तो कॉमन एंगल हो गया ना, दो एंगल इक्वल तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल, तीसरा एंगल अपने आप, तो तीसरा कौन बच गया, इसमें ये और इसमें ये, तीन इक्वल हो गया ना। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, क्या दोनों समरूप है, हाँ या ना। हाँ, वाह, वेरी गुड। आ जाओ भाई, देखो शुरू हो जाओ, शुरुआत यहां से करता हूं। थर्ड के सामने सी ए है, कौन है, और इसमें थर्ड के सामने कौन है, सी डी है, यही ना। इसमें थर्ड के सामने सी ए है और इसमें थर्ड के सामने कौन है, सी डी है, ओके। इसमें फर्स्ट के सामने में क्या है, बी सी है, क्या है, फर्स्ट के सामने क्या है, बी सी है, और इसमें फर्स्ट के सामने क्या है, वही सी ए या ए सी। ये क्या हो गया, सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, तो बी सी ए का स्क्वायर क्या आ गया, बी सी इंटू सी डी। लेकिन जो पढ़े हैं पीछे वो इतना न करिएगा, ठीक है ना, वो डायरेक्ट समझ जाए कि ये एंगल और ये दोनों बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 ये भी है, 90 ये भी है ना, याद है ना। तो इसमें तभी मैंने सिखाया था ना कि इसका स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा, याद है, नहीं याद है, याद ही नहीं आता है ना, ऐसे बच्चा लग पाते है ना, याद है भाई, जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है, याद रखना चाहिए, इसे नहीं भूलना चाहिए, है कि नहीं। बहुत इजी है, घर में जाके एक बार रिवीजन कर लिया करो, कॉपी देख लिया करो, जाके घर में खुद अपने से बनाया करो, छोटा सा एक बोर्ड रख लो घर में, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कैसा भी है ना, घर पे जाके यहां से बनाया करो। जैसे कोई बच्चा को पढ़ा रहे हो, देखो जी इन ट्रायंगल एबीसी एडीज परपेंडिकुलर है ना, तो ऐसे करके बहुत, हाँ, याद सा हो जाएगा, ठीक, और बहुत ही मतलब अच्छा होगा। लिखो क्वेश्चन, तैयार है सब लोग, लिखें। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, लिखो त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीडी एंड सीई, ए बाय बीडी एंड सीई आर परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। इन ट्रायंगल ए बी सी बीडी एंड सीई, बीडी एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। लिखे त्रिभुज ए बी सी में, लिखे भाई त्रिभुज ए बी सी में बीडी और सीई, त्रिभुज एबीसी में बीडी और सीई, त्रिभुज एबीसी में बीडी और सीई क्रमशः भुजा एसी और एबी पर लंब है, बीडी और सीई क्रमशः भुजा एसी और एबी पर लंब है। इन ट्रायंगल एबीसी बीडी एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन द साइड एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली। त्रिभुज एबीसी में बीडी और सीई, बीडी और सीई क्रमशः भुजा एसी और एबी पर लंब है, किसका किसका, एसी और एबी पर लंब है, एसी और एबी पर लंब है, ठीक है ना। एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी, और एक दूसरे को पी बिंदु पे काटती हैं। एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी, लिख लिए, एक दूसरे को पी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, पी बिंदु पे काटती हैं। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी, और एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, पी बिंदु पे काटती हैं, ठीक है ना। एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी, और एक दूसरे को पी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, पी बिंदु पे काटती हैं। लिखें फाइंड बीपी इनटू डीपी, बीपी बिहार पुलिस इनटू डीपी दिल्ली पुलिस, है ना, क्या निकालेंगे, बीपी ब्लड प्रेशर है ना, इनटू डीपी दिल्ली पुलिस, लिख लिए। हरिओम,
ये फाइंड करना है, निकालिए बीपी इंटू डीपी क्या होगा है? ऑप्शन ऐसे रहा जी ना ऑप्शन क्या, चलो आंसर है ओके आप जल्दी बनाइए फिर बातें करेंगे आपसे हम। बीपी इंटू डीपी निकालें, बीपी इंटू डीपी, बीपी इंटू डीपी नौटंकी किया ना भाई, यहां पर आपकी नौटंकी कोई देखने नहीं आया, ध्यान रखना बस यहां पर स्टेज पे जो होता है वो देखना है तुम्हें, अपना किया तो दौड़ा दौड़ा के बाहर दिखवाएंगे रोड पर दो लोग, पढ़ाई लिखाई की नौटंकी किया तो। चलो सबका आंसर आ गया, क्या आंसर है? ईपी इंटू सीपी, यस राइट आंसर। तब मन लगा के बनाइए, कोई नौटंकी नहीं। कोई पूछना चाहते हैं? ओके देखो त्रिभुज एबीसी में, किसमें? एन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी में बोलो क्या हुआ? बीडी और सी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ऑन द साइड एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, बीडी और सी क्रमशः एसी और एबी पर लंब है, परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, दिखाई दे रहा है? ओके दिखाई देना चाहिए लगो। और एक दूसरे को कहां काटा? पटना जाके काटा पी पर, ठीक है भाई, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी, हाँ पटना, देखो फिर क्या बोला बताना, बोलो ना बस। अब निकालना बिहार पुलिस, देखो ये, और दिल्ली पुलिस ये, डीपी किस में आता है? एक ये ट्रायंगल में आता है और इसमें भी आता है, लेकिन डीपी सिर्फ इसमें आता है, इसमें तो ट्रायंगल है नहीं, तो इसका मतलब मेरे को ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो अब दूसरा में ये लेना पड़ेगा, तभी सिमिलर होगा, क्यों? ये 90-90 और ये वर्टिकल अपोजिट, नहीं समझे? ये 90-90 ये वर्टिकल, दो एंगल इक्वल, तो तीसरा एंगल अपने आप, तीसरा क्या बचा? इसमें ये और इसमें ये, ठीक है ना, इसमें ये, इसमें ये, हाँ या न, यस और न, थैंक यू, ठीक है, क्या आपको है क्या? नहीं है, आओ 90 के सामने पहले बिहार पुलिस को लेते हैं, 90 के सामने, तो 90 सामने क्या लेंगे, सीपी ले या पीसी ले? चलो पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं बोला मैंने, बस पीसी बोला, ठीक है, देखना हमसे ओके। इसमें 90 सामने बिहार पुलिस, इसमें 90 सामने क्या था? पीसी था, और थर्ड के सामने क्या है? इसमें ईपी, थर्ड के सामने क्या है? थर्ड के सामने में ईपी, तो थर्ड के सामने इसमें क्या है? डीपी, डीपी ना, थर्ड के सामने क्या है? डीपी, अब गुना करो, बीपी इंटू डीपी बराबर ईपी इंटू पीसी, यही आंसर है। एनी ऑनी कोई नहीं, ठीक, तो आप समझ गए ना कि बीपी इंटू डीपी, बीपी इंटू डीपी बराबर ईपी इंटू पीसी है, कोई दिक्कत नहीं ना, सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? ओके भाई,
लिखे, इजी था ना, बहुत इजी था है ना। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, सभी भाई बंधु तैयार हैं। बोला जाए देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? लिखे, एंट्रैंगल एबीसी, एंट्रैंगल एबीसी, एंट्रैंगल एबीसी एंड ट्रैंगल बीडीसी। भाई साहब बात नहीं कीजिएगा, एंट्रैंगल एबीसी एंड ट्रैंगल बीडीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में, बॉम्बे दिल्ली चंडीगढ़ लिखे हम, एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी इज 90 डिग्री, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में कोण ए और कोण डी, डी फॉर दिल्ली, कोण ए और कोण डी 90 डिग्री है। एंट्रेंगल एबीसी एंट्रेंगल बीडीसी, एंट्रेंगल एबीसी एंट्रेंगल बीडीसी, एंगल ए एंड एंगल डी है ना इज 90 डिग्री, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बीडीसी में कोण ए या कोण डी 90 डिग्री। लिखिए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। बीसी बॉम्बे टू चंडीगढ़, बीसी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, बीसी द कॉमन साइड इन द बोथ ट्रायंगल्स, बीसी द कॉमन साइड इन द बोथ ट्रायंगल्स। लिखें भाई, बीसी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, बीसी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, द साइड बीसी इज द कॉमन इन द बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। बीसी भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, बीसी भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। एसी एंड बीडी, द लाइन एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी, द लाइन एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी। एसी और बीडी रेखा, एसी और बीडी बॉबी देबल है ना, एसी और बीडी एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, द लाइन एसियन बीडी, एसियन बीडी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी, एसी और बीडी रेखा एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, पी बिंदु पे काटते हैं। लिख लिए, फाइंड एपी इंटू पीसी, तो एपी इंटू पीसी निकाले, एपी आंध्र प्रदेश इंटू पीसी, पीसी ज्वेलर्स है ना, पीसी प्रियंका चोपड़ा है ना, कुछ भी लिख दो ठीक है ना, जो तुम्हारा मन, हम तो खाली पीसी लिखाना चाहते हैं। लिखो तो लिखो, लिखो, कौन लिख रहा था, वही लिखा तुम, ए भाई बनाइए ना, आ? क्या हुआ, ए भाई जल्दी बनाइए, कोई पूछना चाहते हैं अपना हाथ उठाइए, ठीक है, वेरी वेरी गुड। पटना से कुछ आते हैं यहां?
यहां देखिए पटना वाले लोग सब लोग तैयार हैं। देखिए फोटो नहीं बना क्या है? ओके बीसी दोनों कॉमन है ना? सब तैयार हैं? यहां देखिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं ना? त्रिभुज एबीसी और बीडीसी था ना, बीसी दोनों में कॉमन है, एंगल ए यहां 90 है और यहां डी 90 है, कोई दिक्कत नहीं ना? आप कहेंगे 90 तो हमको दिख नहीं रहा है, ऐसा बोलना चाहते हैं कोई? नहीं ना। देखो इसे ये 90 है, ये दिखा 90 एकदम परपेंडिकुलर, देखो ना ठीक है ना 90। अब इसी को हम ऐसे दिखा देंगे ना तो आपको 90 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, लेकिन है तो ही 90। आपको बार बार ऐसे देखना आदत है ना, कभी ऐसे कर देखो, दिखा दिया, ये भी तो 90 है, वही एंगल है ना, ऐसे कर दिया तो वही वाला यहां पर लगा, देखो ऐसे वही है ना ठीक। और इतना खोपड़ी क्यों लगाना? उसने कहा है 90 है तो है, ज्योमेट्री है तो है, यदि हमको देखने से लगे भी कि लग रहा है 90, लग रहा है तो नहीं मानेगा, वो कह दिया क्या है तो नहीं भी है तो है, क्योंकि ज्योमेट्री है, नहीं समझा? यदि कहता ये है तो है और हमको लग रहा है मिड पॉइंट लग रहा है लेकिन वो नहीं है तो नहीं है। ओके बिना सबूत के अधिकारी लोग बात नहीं करते, देखो है ना। यहां देखिए ये सबको समझ में आया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर 90-90 और वर्टिकल अपोजिट दिखाई दिया, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल, हाँ या है ना? ओके अब बताओ एक एक करके क्या निकालना था, निकालना क्या था? एपी, तो पहले थर्ड का शुरू करता हूं, थर्ड के सामने एपी, आंध्र प्रदेश थर्ड के सामने आ गया ना, और थर्ड थर्ड क्या है इसमें? डीपी दिल्ली पुलिस। अच्छा 90 के सामने कौन है इसमें? और हमको पीसी याद है ना, हाँ तो 90 के सामने क्या लिखेंगे? बिहार पुलिस है ना, और 90 के सामने क्या लिखेंगे? पीसी। तो यही निकाल था ना आपको, एपी इंटू पीसी किसके बराबर होगा? बोले बिहार पुलिस गुने दिल्ली पुलिस के बराबर होगा। ठीक, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं देवी और सजनों? क्या आप समझ पा रहे हैं? एकदम मुंह बंद करके समझिएगा, लिखिए, तैयार हैं सब लोग? देवी और सजनों तैयार हैं? हो जाइए भाई, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में एस बिंदु, एस लिखते ना पी क्यू आर, एस होता ना, एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, लिखे एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है, लिखे एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है, पी आर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, लिखे पी एस, पी एस, पी
एस बराबर 3 सेंटीमीटर लिखे, पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर एस, एंगल पी क्यू आर लिखे कौन, पी क्यू आर बराबर कौन, पी आर एस, पी आर एस लिखे, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर एस लिखे सब लोग, ओके। फाइंड पी क्यू, पी क्यू की लंबाई जरा धाई धाई बताएं, फाइंड पी क्यू बताइए भाई, पी क्यू आ गया, देवियर सजनो आ गया, नहीं लई 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 नहीं आया, हाँ 12 ही है, नौटंकी किया ना, नाम कट जाएगा ध्यान रखना, ऐसे ही तुम्हारा एक्सपायर हो गया है रेट है ना, चुपचाप मुंह बंद करके बैठना, मालूम है ना, ठीक है, नौटंकी नहीं भाई, मन ला के पढ़ोगे तो पढ़ने देंगे, ध्यान रखना। कोई पूछना चाहते हैं भाई साहब, ओके यहां देखिए, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, एस इज पॉइंट लाइन पी क्यू ना, एस बिंदु पी क्यू पर स्थित है, यही ना, ओके, पी आर पी एस, ओके एंगल पी आर एस, यही ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर वही तो मैं कहा था पी आर एस है ना, ये दोनों बराबर हैं, दो छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिखा ये छोटा, देखो ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दिया, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दिया, छोटा ट्रायंगल का ये एंगल बड़ा ट्रायंगल का ये दिया के बराबर है, दिया ना, और ये दोनों में कॉमन है, दिखाई दिया, सिमिलर ट्रायंगल के क्लास जो बच्चे नहीं किए हैं पहला क्लास, मैं पहले भी कहा था कि बहुत जरूरी है, क्योंकि 6-7 दिन तो अभी सिमिलर ही चलते रहेगा और वही समझ पाएगा जो क्लास किया है, नहीं तो लगेगा हम क्लास में है लेकिन नहीं है, हाँ मजाक नहीं, हम आपसे मजाक थोड़ी करेंगे है ना, है ना, तो ये एंगल बराबर दिया हुआ है, ठीक, और ये दोनों में क्या है कॉमन एंगल, ठीक है ना, कॉमन है ना, छोटा में भी आता है बड़ा में भी आता है, ये तो दोनों में आता है ना, ओके, और तीसरा एंगल अपने आप, तीसरा क्या बचाई, छोटा वाला में ये ओ देख रहे हैं ये, ठीक, छोटा में ये बड़ा में ये, क्या आपको दिखाई दिया, बोलो ना, दिया क्या, बोलो ना, दिया, ओके देखो सिमिलर हो गया ना, तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल सिमिलर हुआ कि ना, ऐसे देख रहे बनाओ, ए भाई हमको निकालना क्या होता,
क्यू, पी क्यू मतलब तीसरा के सामने है ना, पी क्यू का मतलब तीसरा के सामने, तो तीसरा के सामने में पी क्यू, तो छोटा में पी क्यू सामने क्या हुआ, छे। ओके, फर्स्ट के सामने क्या दिया इसमें, सिक्स, देखो फर्स्ट के सामने क्या है, सिक्स। ओके, तो छोटा वाला में फर्स्ट के सामने क्या है, फर्स्ट के सामने क्या है, थ्री, तीन दुनी छह दुनी पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, यस और नो। एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, एक छोटा सा नहीं, ज्यादा कल ही सोल्व करेंगे है ना, आगे करेंगे कल, ठीक है ना, आज के लिए कम पढ़ाते हैं। ओके, जाइए।